खाता थे क्या यार ना हो खा हुई नहीं होंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे कि अरे हमारा इतना ही है हम कैसे क्या कर लेंगे, यहाँ पे बहुत लड़के हैं अभी गजब बाहर ऐसे बात कर रहे थे कि मार देंगे संविधान गर्दन में उड़ी जाए तो इंडिया गर्दन में उड़ी जाए, बहुत लड़के वहां पे बात करते हैं चर्चा भी करते हैं, बात सुन के टेंशन होने लगता है। तो वहां पे जाएंगे ये सारी बातें दिमाग में आती है, इनको हावी नहीं होने देना अपने दिमाग में, क्योंकि ये इसीलिए आती है कि आपका पेपर खराब करवाएंगे। तो जो चीज आपका पेपर खराब करवाता है उसको दिमाग में लाना ही नहीं, एकदम टेंशन फ्री रहिए। जैसे आपके दिमाग में कोई भी टेंशन आता है हमारा चेहरा याद कर लीजिए एकदम से, ऐसा जी बहुत सुंदर दिखते हैं, एकदम मजा आता है पढ़ते हैं उनसे, बात समझ रहे ना, चेहरा हमारा याद कर दीजिए, याद आएगा ना, जैसे टेंशन है तुम सोचिए अरे धर्मेश्वर जी क्या बोल रहे, वाह कितने मस्त लग रहे हैं। और सुनिए ये बात क्या है, दूसरी बात, जैसे ही पेपर आपका स्टार्ट होगा आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, अब ध्यान से देखिएगा, जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो देखिए जब भी ऑनलाइन पेपर होता है ना तो वहां पे पोर्शन वाइज यदि खुलता है तो आप जंप करके जा सकते हैं इस क्वेश्चन पे उस क्वेश्चन पे, या फिर हिंदी वाला है तो हिंदी में जा सकते हैं, जीके वाला है तो जीके में जा सकते हैं। अगर इस तरीके से पेपर बना है तब तो बहुत बेहतर है, बात समझ रहे ना, हम ये कह रहे हैं कि सब पेपर ऐसा ही बनता है, कभी कभी क्या होता है तो वैसे ही लोग सेट और तैयार करते हैं तो बना देते हैं कि जब तक मैथ नहीं करेंगे तब तक आप रीजनिंग नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होगा, आप जिस पर जाना चाहे उस पर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे रहेगा मैथ का पोर्शन रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा मैथ, उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए हिंदी लिखा गया है, हिंदी में ही इधर रहेगा इंग्लिश, उसके बाद इधर रीजनिंग है, और उसके बाद से यहाँ पे जीके जीएस है, बात समझ रहे, अब जाकर मिला मत लगे कि सर जी कौन दूसरा कौन मोबाइल है, हिंदी है तो हिंदी के लिए नहीं है, नहीं हो सकता है यहाँ पे रीजनिंग रखते। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है, इस अंग्रेजी के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है ना, और वहां पे पेपर जब स्टार्ट होता है उससे कुछ देर पहले वहां पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं कि सभी विद्यार्थी ये चीज कर ले, सभी विद्यार्थी ये चीज कर ले, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और कुछ सेकंड के बाद वो काम करना है, एक सेकंड या दो सेकंड लेट करना है, जानते हैं क्या होता है, जैसे वो बोलते हैं जैसे आप काम करेंगे ना हड़बड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है, तो दो तीन सेकंड लीजिए उसके बाद से ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं और निर्देश को बढ़िया से फॉलो कीजिए। वो बोल रहे हैं यस पर क्लिक करने के लिए ध्यान से सुनिए, यस ही बोले हैं, यस पे क्लिक कीजिए, नो पे बोल रहे हैं क्लिक करने के लिए, नो पर क्लिक कीजिए। और लैंग्वेज हमेशा याद रखिएगा, सभी विद्यार्थी लोग जितने हैं वो हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा, अब हमको तो नहीं लगता इसमें अंग्रेजी मीडियम का कोई होगा, अंग्रेजी में पेपर का लैंग्वेज नहीं ना दिया है, वहां पे भी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आता है, तो वहां पे क्या सेलेक्ट करना है, गलती से हो गया तो गलती से फिर वापस आइए, बढ़िया से वो गलती से टिकट कटवाई वापस ही का रोज ना रो, ये सुनिए ध्यान सुनिए, एकदम बीच में मजाक नहीं बात नहीं, सब कुछ उनकी बातें ध्यान से सुनिएगा, कुछ सेकंड बाद अपना प्रतिक्रिया वहां पे दिखाइएगा, हर एक चीज बढ़िया से सेलेक्ट करके जब पेपर स्टार्ट होगा तो आपको हमेशा बोलते हैं कि वे सारे क्वेश्चन पहले करने हैं जो बिना पेन के हो सकते हैं, बात समझ रहे ना, जैसे इसमें कौन कौन सा है तो सर एक हिंदी का है और एक जीके जी, ठीक है का भी क्वेश्चन बिना पेन का सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, तीन को मिल जाएंगे, हम कह रहे पांच को मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी और जीके जी इसमें आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे बिना पेज और पेन के कर सकते हैं, पढ़ेंगे जीके के क्वेश्चन लिखेंगे नहीं ना, तो जो हम बता रहे हैं उसको सुनिए, हिंदी और जीके जीएस वाला पोर्शन जो है पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, याद रहे जैसे ही आप जीके जीएस का खोलते हैं फिर हिंदी का खोलते हैं, शुरू के यदि पांच क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे हैं तो घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी आपके पास कितने क्वेश्चन है, 75, बात समझ रहे हैं ना बालक, तो इससे भी आप बेहतर मेरिट तैयार कर सकते हैं, तो क्वेश्चन न आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे ही दिमाग में घबराहट आई वो आपका पेपर बर्बाद करने के लिए आएगा, वो बनाएगा नहीं, तो हमेशा याद रखना है कि जो चीज आपका पेपर बर्बाद करेगा उसको हम अपने दिमाग में आने नहीं देंगे, ठीक ना। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर लीजिए, हिंदी का देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व करने का फायदा क्या होता है कि यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 40 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन लगाते हैं, हम आपको गारंटी दे रहे हैं इसमें से 90 से 95% क्वेश्चन बिल्कुल सही होते हैं,
क्योंकि आप वही क्वेश्चन टच करेंगे जो लगभग लगभग आपको पता, तो ये वन लाइनर सॉल्व करने के फायदे होते हैं। जैसे ये सॉल्व कर ले उसके बाद से आप पहुंच सकते हैं रीजनिंग के तरफ, और जिनका मैथ ठीक ठाक है वो पहुंच सकते हैं मैथ के तरफ। बस मैं इस मैथ और रीजनिंग में सेम वही तरीका अप्लाई करना है कि सर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, इस सॉल्व करते रहिएगा उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पढ़ के आंसर दे सकते हैं। जैसे रीजनिंग की हम बात करें, दिया है कि भारत का संबंध दिल्ली से, तो बताइए पाकिस्तान का संबंध किससे होगा? क्या पेन उठाने की आवश्यकता है? नहीं, डायरेक्ट पढ़ के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बातें पेपर हॉल में पेपर के टाइम बहुत ध्यान से देखना है, बस समझ रहे ना? और याद रहे, देखिए समय बचाने के लिए आप चाहें तो इस कॉल कर सकते हैं, या फिर इधर साइड में नंबरिंग दिया रहता है, अगर 20 क्वेश्चन मैथ के है ना तो मैथ का पोर्शन जैसे ही ओपन करेंगे साइड में 1 से लेकर 20 तक गिनती लिखा रहता है। जो क्वेश्चन आप सॉल्व करके टिक लगा दिए वो रेड कलर का रहता है। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मार्क एज रिव्यू करके रखता है कि बाद में इसको हम देखेंगे या फिर इस पे हम बाद में प्रतिक्रिया दिखाएंगे, वो येलो कलर का रहता है, जिसको छोड़ देंगे वो व्हाइट ही रहता है। तो इसमें मान लीजिए कि 5 नंबर पे व्हाइट है, 10 नंबर पे व्हाइट है और 17 नंबर पे व्हाइट है, मतलब कि आप 5 नंबर 10 नंबर 17 नंबर को टच नहीं है, तो आप डायरेक्ट अपना वो जो तीर होता है वो तीर को 10 नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे जो स्क्रीन होता है 10 नंबर क्वेश्चन ऑटोमेटिक दिखने लगे। तो एक बार इसको सोच सकते हैं, मान लीजिए स्क्रॉल कर रहे हैं 1 नंबर पे है, 10 नंबर पे जाना, इसे घुमा घुमा के जा रहे हैं, टाइम लगेगा ना। उसी टाइम को बचाने के लिए डायरेक्ट आप 10 नंबर पे क्लिक कीजिए, तुरंत 10 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है, और ये सारी बातें हम इस वजह से बता रहे हैं कि आपका समय बर्बाद ना हो, पेपर जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। बात समझ रहे हैं बालक? याद रहना चाहिए कि हमको हिंदी और जीके जीएस वाला जो भी है उसको पहले सॉल्व करना है, चाहे जितना ही है, चाहे जितना आ रहा है उसको सॉल्व करिए, लेकिन ये वन लाइनर वाला पहले कर लीजिएगा, उसके बाद रीजनिंग मैथ की तरफ बढ़िए और आराम से सॉल्व करते रहे। हाँ, इन सारी प्रक्रिया में जब पेपर चल रहा है तो वहां पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कोने में टाइम चलता है, कोने में समय चलता है, उसको नहीं देखना है, देखना है बिल्कुल बिना इस वजह से देखना है कि कहीं हम एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय तो नहीं ले रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो 1.5 मिनट से अधिक जा रहा है, 1 मिनट से अधिक जाने लग, बस समझ रहे, और आपके पास अभी क्वेश्चन बहुत जाते हैं, समय बहुत कम है, तो आप प्रयास कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को हम स्किप करके आगे बढ़िए। देखिए हर यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, हर एक पोर्शन का, जैसे मान लीजिए मैथ है या फिर रीजनिंग है, तो हम ये नहीं कहते कि रीजनिंग का यदि 20 प्रश्न है तो 20 में 20 बनाने वाला ही सक्सेस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको पेपर में एवरेज रहना पड़ेगा, हर एक पोर्शन से एवरेज स्कोर लाना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन मिलता है। बात समझ रहे ना बालक? तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, और सबसे लास्ट और अंतिम बात आपको हम बता रहे हैं, दिमाग में कभी भी स्ट्रेस मत आने दीजिएगा, ये एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, आने ही नहीं देना है दिमाग में टेंशन, क्योंकि पेपर बहुत लोग का हम खराब होते देखे हैं, ये बिना मतलब का टेंशन का और आके कई बात बोलते हैं कि सर हम सोचने लगे कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन, अरे 2 गुना नहीं आया, 3 गुना अब क्या होगा, अब पेपर हम हमारे बेकार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे फालतू में सोचते हैं। हम कह रहे हैं कि हमसे 10 क्वेश्चन है, 20 वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है भैया, 20 वो क्वेश्चन है, 60 गुना आएगा ना, 60 गुना अगर हम 50 वो करते हैं ना, बढ़िया से करते हैं सटीकता के साथ, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा और बेहतर रिजल्ट आपका बनेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास 80 क्वेश्चन है तो ये मत सोचिएगा कि हमको 80 का 80 ही एकदम से कर देना है, बस समझ रहे ना, तो उस हिसाब से आप लोग सॉल्व करिएगा कि समय रहते बढ़िया से पेपर हो जाए और इस स्कोर तक हम पहुंच जाए कि बनने वाला जो मेरिट होगा उसमें हमारा नाम रहेगा। ठीक है बालक, सबको समझ में आ गया ना? अब ध्यान से सुनिए, जितना भी मैराथन में आप लोग पढ़े हैं घर पे जाके रिवाइज कीजिए, बेहतर तरीके से रिवाइज कीजिए, और जितना भी सेट दिया गया है पेपर जाएंगे देने के लिए तो उससे पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए।